हेलो दोस्तों, आज की कहानी है खोखले रिश्ते। चलो सीता, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। जहाँ मेरे बच्चे के लिए कोई जगह नहीं, वहाँ हम दोनों का क्या काम? पर ऐसे अचानक घर छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? और आप तो कमाते भी नहीं, फिर घर कैसे चलेगा? सीता, कुछ फैसले अचानक लेने पड़ते हैं। अब यहाँ हमारा गुजारा नहीं, तुम सामान बांधकर तैयार रहना, तब तक मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। कहते हुए सीता का पति रमेश घर से बाहर निकल गया। सीता और रमेश की शादी के हुए 3 साल हो चुके थे। इन 3 सालों में सीता ने बहुत कुछ सहा था। 2 बार वो माँ बनने से पहले ही अपने होने वाले बच्चे को खो चुकी थी। जब सीता शादी करके आई, उस समय रमेश छोटी सी बीमा कंपनी में काम करता था। धीरे धीरे बीमा कंपनी बंद हो गई, रमेश की नौकरी चली गई। नौकरी क्या गई, घर वालों के तेवर बदल गए। रमेश तो दिन भर घर से बाहर बड़े भाई की दुकान पर मदद करता रहता, लेकिन सीता को घर के समस्त कार्य करने के साथ साथ सास और जेठानी के तानों का सामना करना पड़ता। जिसका पति नहीं कमाता, उसकी पत्नी को घर में सारे काम तो करना ही पड़ेगा। जेठानी ताने मारती तो सास भी सुर में सुर मिलाती हुई कहती, सही कह रही हो बड़ी बहू, पति की हैसियत से ही पत्नी का रुतबा बनता है। सीता जब पहली बार माँ बनने वाली थी, तब घर में पूजा रखी गई और उसी दौरान काम की भाग दौड़ में सीता का गर्भ 2वें महीने में गिर गया। उस दिन सीता बहुत रोई थी, पर रमेश को माँ ने यह कहकर समझा दिया कि माँ की वजह काम की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारी पत्नी जल्दी माँ नहीं बनना चाहती, इसीलिए दवा खाकर जानबूझकर बच्चा खराब कर दिया। रमेश भी माँ की बातों में आ गया और सीता को ही दोषी ठहराया। दूसरी बार जब सीता गर्भवती हुई, तब जेठानी जी बीमारी का बहाना बनाकर मायके भाग गईं और सासू माँ उन्हें तो घर के किसी काम में मन लगता ही नहीं था। दिन भर अपनी भजन कीर्तन मंडली के साथ जमी रहती ताकि घर में काम करना न पड़े। सीता अकेले ही कमजोर शरीर के साथ बेमन से काम करती रहती, जिसका असर यह हुआ कि गर्भ 3रे महीने में ही नष्ट हो गया। दूसरे बच्चे को खोने से रमेश की अकल पर पड़ा पर्दा थोड़ा हट चुका था, इसलिए तीसरी बार गर्भ ठहरने की दशा में रमेश ने सीता को उसके मायके भेज दिया। सीता ने वहां एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। बेटी जब 2 महीने की हो गई, तब सीता ससुराल चली आई। बेटी को देख रमेश जितना खुश था, सीता उतनी ही चिंतित थी, क्योंकि रमेश की नौकरी अभी तक नहीं लगी थी। इसीलिए सीता को बेटी के भविष्य की चिंता सता रही थी और पोषण की भी। घर में दूध भरपूर आने के बावजूद सीता को एक बूंद भी नहीं मिलता। सब दूध जेठानी के बच्चे पीते और बाकी की चाय बनाई जाती। सीता को छोटी कटोरी से आधी कटोरी दूध बेटी को पिलाने भर के लिए दिया जाता। सीता को भी भरपूर पोषण नहीं मिलने से दूध कम होता, जिससे बच्ची भूखी रोती रहती। इसी तरह एक दिन बच्ची आधी रात को भूख से बिलख रही थी, सीता का दूध भी नहीं मिल रहा था और इधर रसोई में भी दूध का पतीला खाली पड़ा था। बच्चे को यूं रोते बिलखते देख रमेश परेशान हो उठा, बोला, सीता, तुम बेटी को दूध क्यों नहीं पिला रही? अगर तुम्हारे दूध नहीं हो तो
तो रसोई से लाकर पिला दो। सीता बोली, जी वो क्या है, दूध नहीं है। कल सुबह आप डिब्बे का पाउडर दूध लेते आइएगा। कैसी बात कर रही हो सीता, घर में शुद्ध गाय का दूध आता है और तुम कहती हो कि बेटी डिब्बे के दूध से पलेगी। दूध तो आता है पर हमारे मुंह तक आते आते खत्म हो जाता है। आपके भतीजा भतीजी सुबह शाम दूध पीते हैं और माझी को दूध चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उन्हें दूध के साथ दवाई लेनी होती है। आधी कटोरी दूध मुझे बेटी को पिलाने के लिए देकर शेष भाभी अपने कमरे में लेकर चली जाती है। ऐसे कैसे कमरे में लेकर चली जाती है, मैं अभी जाकर पूछता हूँ। कहते हुए रमेश सीधे बड़ी भाभी के कमरे में जाकर बोला, भाभी बेटी भूख से भिलक रही है और आप हैं कि रसोई में दूध रखने के बजाय अपने कमरे में लेकर चली आती हैं। ऐसा क्यों करती हैं आप? देवर के प्रश्न को सुनकर भाभी मुंह बनाती हुई बोली, देवर जी घर मेरे पति का, दूध मेरे पति अपनी कमाई से लाते हैं, तो दूध की बूंद बूंद पर हमारा हक बनता है। और वैसे भी मैंने एक कटोरी दूध सुबह ही दिया था, अब छोटी सी बच्ची का पेट इतना बड़ा है कि भरता ही नहीं, तो इसमें मेरी क्या गलती है? आज एक देवर पर नहीं बल्कि भाभी ने एक पिता के हृदय पर प्रहार किया था। भाभी का तर्क सुन रमेश को काटो तो खून नहीं, ऐसी स्थिति थी। वैसे गलती तो उसी की थी, खुद कुछ पैसे कमाता तो आज उसकी बच्ची दूध के लिए तरसती नहीं। मायूस हो रमेश भाभी से बोला, भाभी बच्ची का पेट बड़ा नहीं, आपका दिल छोटा है। वैसे गलती आपकी नहीं मेरी है, जो मन से नौकरी ढूंढने के बजाय भैया के दुकान पर मदद करता रहा। यह सोच कि इस मुश्किल घड़ी में आप लोग ही तो मेरी गृहस्थी को चला रहे हैं। लेकिन बेटी की भूख से बिलखता चेहरा देख मेरी आंखों पर पड़ा पर्दा उठ गया। इतना कहकर रमेश चुपचाप अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गया। तब तक बेटी रोते रोते थक कर सो चुकी थी। पूरी रात करवटे बदलते हुए रमेश ने फैसला लिया कि अब वह इस घर में नहीं रहेगा। सुबह गाड़ी दरवाजे पर खड़ी थी। रमेश सीता का हाथ पकड़कर दरवाजे से बाहर निकल आया, पर किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि रमेश की भाभी तो यह जांच परख करने में व्यस्त थी कि कहीं ये दोनों अपने सामान के अलावा घर का कोई सामान तो नहीं ले जा रहे। देवर देवरानी के घर छोड़ने से भाभी जहां खुश हो रही थी, वहीं माँ भी बड़ी बहू के साथ थी। गाड़ी पर बैठने के बाद सीता ने पुनः रमेश से पूछा, सुनिए जी मुझे बताइए तो सही कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा गुजारा कैसे होगा, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? सीता तुम चिंता करना छोड़, बेटी पर ध्यान दो, मैंने सब तय कर लिया है कि क्या करना है। जिस तरह मैं भैया की मदद करता था उसी तरह मैं दूसरे की दुकान में मदद करूंगा, जिसके बदले मुझे पैसे भी मिलेंगे, जिससे हम तीनों का गुजारा अच्छी तरह से हो जाएगा। मैंने एक छोटा सा घर भी किराए पर देख लिया है, हम वहीं जा रहे हैं, इसलिए तुम चिंता मत करो। उस दिन से इन तीनों की जिंदगी बदल गई। धीरे धीरे रमेश ने किराए के घर में रहते हुए बैंक से लोन लेकर अपनी एक दुकान खोल ली। सीता ने अपने जेवर बेचकर एक छोटा सा घर खरीदने में
रमेश की मदद की। बेटी जिसका नाम उन्होंने सपना रखा वो अब स्कूल में पढ़ती है। आज जब दोनों सीता और रमेश बीते दिनों को याद करते हैं तो सोचते हैं कि अगर उस दिन अचानक भाई का घर छोड़ने का फैसला नहीं लिया होता तो शायद आज भी उसी बदतर स्थिति में होते या उससे भी बुरा। सोचकर ही सीता की रूह कांप जाती। धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।